स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे लाहौर बोर्ड के पेपर 10th क्लास 2019 के ग्रुप वन और ग्रुप टू की। और आज की वीडियो में जो है हम इस सारे सवालों के जवाब मालूम करेंगे कि 2019 में कौन कौन से सवाल आए। स्टूडेंट्स, ये जो आपको 13 नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली 13th चैप्टर है और ये बायोकेमिस्ट्री से सवाल लिया गया है। लिहाजा ये जितने भी नंबर आपको नज़र आएंगे, इनका मतलब है कि यहाँ से सवाल लिए गए हैं। पहला सवाल था, विच विटामिन इज़ फैट सोल्यूबल। फैट में कौन सा सोल्यूबल हो जाता है? तो विटामिन बी और सी जो है वो पानी में सोल्यूबल होते हैं, जबकि विटामिन के ए डी ई के पानी में सोल्यूबल नहीं, फैट्स में सोल्यूबल होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉजेज स्वेयर डायरिया एंड कैन बी फैटल। कौन सी बीमारी बहुत ज़्यादा डायरिया और फैटल हो सकती है? दैट इज कोलरा, ऑप्शन सी। द वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द शेप्स ऑफ द क्रिस्टल। उसके बाद क्वेश्चन है, विच इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट इसमें क्या होगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ड्रेविटिव है सल्फर ऑक्साइड्स का, तो इसलिए ये होगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। इनमें से कौन सी फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम नहीं है? तो याद रखिएगा, अल्कोहल हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलती है, बाकी पेट्रोल ऑयल, डीजल ऑयल, कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल होता है कैरोसिन ऑयल, तो ये सब हमें जो है पेट्रोलियम से मिलती है। द यूनिट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन इज, मोलर कंसनट्रेशन का क्या यूनिट होता है? दैट इज मोल पर डीएम क्यूब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। स्टूडेंट्स, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो जिंक और एचसीएल की मदद से जो है कैरिड आउट होता है। द रिवर्स रिएक्शन इज वन, रिवर्स रिएक्शन की क्या खसूसियत है? इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। फार्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड, फार्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड जो है वो C15H31COOH है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वुड कंटेन कार्बन अबाउट, वुड में कितने परसेंट कार्बन होता है? तकरीबन 40%। स्टूडेंट्स, कोयले में भी कार्बन की मिकदार जो है वो याद रखिएगा। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन, लैक्टिक एसिड किस में मिलता है याद रखिएगा? फटा हुआ दूध, खट्टा मिल्क, उसमें आपको लैक्टिक एसिड मिलता है, सोर मिल्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स मेक्स द वाटर परमानेंटली हार्ड। कौन सा सॉल्ट पानी को परमानेंटली हार्ड कर देगा? स्टूडेंट्स, परमानेंटली हार्ड करने के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट्स, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स रिक्वायर्ड होते हैं। याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट कभी पानी को हार्ड नहीं करता है और ना ही सोडियम कार्बोनेट, बल्कि सोडियम कार्बोनेट तो पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए काम आता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी को जो है टेम्प्रेरी हार्ड करता है, जबकि कैल्शियम सल्फेट पानी को परमानेंट हार्ड करता है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं उन सवालात की तरफ जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड में 2019 में लाहौर बोर्ड के ग्रुप वन के पेपर में पूछे गए। इन सवालों को हल करने के लिए जो टाइम दरकार होता है वो 1 घंटा 45 मिनट होता है। पहला सवाल था, वट इज मेंट बाई टर्म केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है? अगला सवाल था, डिफाइन इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल। उसके बाद सवाल आया, वट यू मीन बाई द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, राइट डाउन द माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर सवाल आया, वाई हाइड्रोजन आयन्स एक्ट एज अ लुविस एसिड, डिफाइन pH एंड वट इज द pH ऑफ प्योर वाटर, राइट द नेम ऑफ एंड फॉर्मली ऑफ टू मिनरल एसिड्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी एग्जाम्पल है। फिर सवाल है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 2 में 8 सवाल दिए गए, जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी 8 सवाल दिए जाएंगे और आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। आपके पेपर का पैटर्न 2021 में भी ऐसा ही रहा और आने वाले वक्त में भी तकरीबन ऐसा ही रहेगा। वट इज मेंट बाय आइसोमेरिज्म, वट इज एन ईस्टर ग्रुप, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट, राइट एनी टू यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाई आर अल्कीन्स कॉल्ड ऑयलिफेंस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स एंड राइट टू पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स। फिर सवाल आया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। फिर सवाल आया, राइट डाउन द नेम ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर रीजन्स,
राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड व्हाट इज जॉइंडस गिव इट सिम्टम्स. फिर सवाल है स्टूडेंट्स, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, व्हाट इज मेंट बाय मिनरल्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ इज अमोनिया प्रिपेयर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया. और लास्ट क्वेश्चन था आपसे जो किया गया, दैट वाज राइट डाउन द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम ईथर. स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने लॉन्ग सेक्शन की तरफ, जिसमें से आपने तीन में से दो सवाल अटेम्प्ट करने होंगे. पहला लॉन्ग आया, हाउ द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. स्टूडेंट्स, अभी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, 2017 का पेपर क्लिक करो, वहाँ ग्रुप वन में जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में इसका आंसर दिया हुआ है. राइट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रॉन्सटन एंड लॉरी अबाउट एसिड एंड बेसिस, गिव एग्जाम्पल्स. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट एनी 5 यूजेस ऑफ ईथीन, एक्सप्लेन एनी 4 सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, राइट डाउन द एडवांटेजेस, 5 एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस. और लास्ट में क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द 2 मेथड्स फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. स्टूडेंट्स, अब चलते हैं ग्रुप 2 के पेपर की तरफ, कि आखिर कौन से MCQs आए और कौन से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस 2019 के ग्रुप 2 लाहौर बोर्ड के पेपर में पूछे गए. तो पहला सवाल स्टूडेंट्स जो किया गया वो ये था, द कलर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज. तो याद रखिए, कलर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है. फिर इसके बाद है, इन द लाइम केल द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन बिकॉज ऑफ. लाइम केल में जो है रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, इसके पीछे क्या वजह है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स कंटिन्यूसली. सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. उसके बाद क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ पीएच सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ 7, तो फिर याद रखिएगा एसिडिक जो है वो सॉल्यूशन होगा. सी इज द राइट ऑप्शन. लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन, लैक्टिक एसिड सोर मिल्क में होता है, ये पहले भी सवाल आया था. पिच इज अ ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल टार, याद रखिएगा कोल टार भी कोयले से ही मिलती है, और कोल टार जो है उससे आप पिच निकाल सकते हो. पिच ये सड़कें वगैरह जिससे बनती हैं, ब्लैक रेजिड्यू होता है जिसे आप लुक वगैरह भी कहते हो. उसके बाद, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कैन बी कैरिड आउट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ऑप्शन बी. थाउजेंड ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज टू फॉर्म, अमाइनो एसिड्स का आपस में मिल जाने से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सुक्रोज है. ओलिगोसैकेराइड्स की बात हो रही है, याद रखिएगा मोनोसैकेराइड में सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज है. अबाउट 99% ऑफ द मास लाइज विद इन द 30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, याद रखिएगा. रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गे इन वाटर बॉडीज इज बिकॉज ऑफ डिटर्जेंट्स हैविंग फॉस्फेट सॉल्ट्स और नाइट्रेट सॉल्ट्स के होने की वजह से यूट्रोफिकेशन होता है, या कह लें कि एल्जे और बैक्टीरिया की ग्रोथ में बड़ी हेल्प मिलती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन कॉजेज हार्डनेस इन वाटर, याद रखिएगा हार्डनेस इन वाटर जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट्स, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स कॉज करते हैं. When sodium bicarbonate is heated, it forms. जब sodium bicarbonate को heat किया जाए तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. तो ये आपने याद रखना है. तो स्टूडेंट्स, ये MCQs हैं. अब चलते हैं ग्रुप 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ. स्टूडेंट्स, अब जो सवाल किया जा रहा है वो ये है, ये जो मैंने आपको रेड मार्क दिया है ये बेसिकली चैप्टर नंबर है. चैप्टर 9 का मतलब है केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी ये सवाल सारे जो 9 जहाँ लिखा होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम से आए हैं. डिफाइन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन. फिर अगला सवाल किया गया, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. फिर स्टूडेंट सवाल किया गया, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन. उसके बाद है जी, व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट. डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है.
राइट लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, राइट एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल. वट आर मिक्स सॉल्ट्स, गिव एन एग्जाम्पल. अगेन क्वेश्चन नंबर 3, 5 सॉल्ट अटेम्प्ट करने हैं आपने 8 में से. राइट डाउन द डिफरेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल. आप इनकी परसेंटेज भी स्टूडेंट्स लिख दीजिएगा, लिखी नहीं हुई आपकी बुक में टेबल बना हुआ, वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं सवाल को. वट इज आइसोमरिज्म, गिव एन एग्जाम्पल. इसमें भी आपने जब आइसोमरिज्म की एग्जाम्पल बतानी है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये एन पेंटेन बताना है और साथ आपने आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर भी बनाना है. अगर आप कंपेरिजन करेंगे तभी एग्जाम्पल हिट करती है, यानी कि पेंटेन से दो आइसोमर्स होते हैं, इसके अलावा नियो पेंटेन भी वैसे होता है, तो ये एग्जाम्पल्स जो है वो सूटेबल नहीं है, दोनों बनानी पड़ेंगी आपको, कंपेयर करना पड़ेगा कम अज़ कम. इसमें ये होता है कि सेम केमिकल फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो ये ज़रूरी है. उसके बाद वट इज़ स्ट्रक्चरल फार्मूला, गिव एन एग्जाम्पल. फिर वट आर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, गिव एन एग्जाम्पल. Why alkanes are reactive? फिर name two diseases caused by the deficiency of vitamin A, night blindness and eye inflammation. Write a protein found. Where are protein found? Sorry, where are protein found? Protein कहाँ से मिलेंगे आपको? What is the difference between glucose and fructose? ये structure भी लाजमी बनाइएगा. अब चलते हैं चौथे क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें बेसिकली 8 सवाल हैं, फिर एक मरतबा 5 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे. 10 नंबर का ये सवाल होता है और आपने स्टूडेंट्स जो पार्ट है वही पार्ट देना होता है, ये आपको पता ही होगा. पार्ट एग्जैक्ट देना है आपने अपने जब क्वेश्चन आंसर शीट के ऊपर आप जब जवाब लिख रहे होते हैं. सो क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ टू प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, राइट द टू इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन. What is the temperature range of stratosphere and mesosphere? What is the reason of jaundice and typhoid? Write two disadvantages of hard water. Name any two processes which involved in the metallurgy of extraction of metal in the pure state from its ore. Write the formulae of Mete and urea. Write two advantages of solvay's process. और फिर स्टूडेंट्स हमारे पास लॉन्ग सेक्शन आ जाता है, तो अगर हम लॉन्ग सेक्शन की तरफ देखें तो कोई 200 अटैम्प्ट करने होते हैं हमने, और अगर ए पार्ट अटैम्प्ट कर लिया तो बी पार्ट लाजमी अटैम्प्ट करना होता है. तो इसमें आप पहला सवाल है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर जनरल रिएक्शन. तो इसका जवाब आप अभी लिंक्स में जाओ, 2017 का पेपर का लिंक दिया हुआ नीचे मैंने, तो प्लेलिस्ट का लिंक होगा उस पर आप क्लिक करो और 2017 का पेपर आपको मिलेगा, उसका ग्रुप का क्वेश्चन नंबर 5A आप जाके देखो तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा. तो स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन जो किया गया वो था, एक्सप्लेन द लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ एसिटाइलीन. फिर बी पार्ट था, राइट डाउन दी सोर्सेज एंड डिजीजेस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सम फैट सॉल्युबल विटामिंस. देन देयर वाज क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग विद द रेफरेंस ऑफ कॉपर. तो आपने डायग्राम भी बनानी है, रफ सा स्केच मेरे लेक्चर में मैंने बनाई थी, आप वहाँ से देख सकते हो. मेरे लेक्चर्स के लिए आप लिखो स्मेल्टिंग स्पेस GS Academy, तो आपको वीडियो रैंक करती नज़र आएगी. और स्टूडेंट्स आखिर में जो सवाल आया, दैट वाज राइट टू मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, 2016 ग्रुप 2 के पेपर में आप रेफरेंस ले सकते हो. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो, एंड सारे सवाल जो आपको पता लग गए होंगे. होप सो यू हैव सब्सक्राइब. अपना दूसरों का ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी.